हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजिनेटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये कैप लेकर आई हूँ कि कैप बनाएंगे हम आज, और नेक वार्मर के साथ कैप बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने इतना काम इसमें पहले करके रखा है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने कैसे किया है। पहले ये बताऊंगी ऊन कौन सी ली है। ये वर्धमान की माइक्रोशाइन वूल है। इसको बनाने के लिए हमने 10 नंबर की सलाइयां ली है और 66 फंदे इसमें हमने डाले हैं। इसकी चौड़ाई 26.5 सेंटीमीटर या 10.25 इंच है और लंबाई ये 14.5 सेंटीमीटर या 5.5 इंच है। अब मैं इसको नाप कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चौड़ाई इसकी 26.5 सेंटीमीटर या 10.25 इंच, और इधर से देखें 5.5 इंच या 14.5 सेंटीमीटर इसकी ये लंबाई है। अब इसको देखते हैं, इसको बनाना हमने कैसे, ये थोड़े फंदों में मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाना है। इसमें बॉर्डर बनाने के लिए हम सीधी सलाइयां बनाएंगे। ये सीधी सीधी सलाइयों का बॉर्डर है, ये देखें इस तरह से, सीधी तरफ से भी सीधी सलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सलाई। ये सलाई पूरी सीधी निकालेंगे हम। ये देखें, सलाई पहली कंप्लीट हो गई। अब आएगी ये रॉन्ग साइड से दूसरी सलाई। पहला फंदा हमने उतारा, ऊन पीछे ले गए, और इधर से भी अब हम सीधी सलाई बनाएंगे। देखें, साइड हमारी रॉन्ग है पर सलाई हमारी सीधी बन रही है। ये देखें, दो सलाइयां बनने से ये एक धारी आ गई है। इसी तरह से जब हम, ये देखें, जब हम आठ सलाइयां बनाएंगे तो ये इस तरह से चार धारियां आ जाएंगी, 1 2 3 4। तो बॉर्डर को हमने 8 सीधी सलाइयों तक बना लेना है। उसके आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वाला डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है। 8 सीधी सलाइयां बनाने के बाद हमें राइट साइड से एक फंदा सीधा, ऊन आगे कर एक फंदा उल्टा, डिजाइन किस तरह से शुरू करना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे एक फंदा उल्टा, इस तरह से ये लाइन पूरी हमने बनानी है, सीधा फिर उल्टा। सलाइयों के बाद नौवीं सलाई पर हम ये डिजाइन डालेंगे। जब पीछे ऊन एक फंदा सीधा, आगे ऊन एक फंदा उल्टा, फिर पीछे ऊन एक फंदा सीधा, आगे ऊन एक फंदा उल्टा, पीछे ऊन सीधा फंदा, आगे ऊन उल्टा फंदा। ये इसी तरह से हमने जितने भी फंदे डालने हैं, ये मैंने 66 फंदों के साथ बनाई है कैप। आपको जितने फंदे डालकर बनानी हो, ये देखें लास्ट फंदा उल्टा आ गया हमारा। अब डिजाइन के ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये सेकंड रो, दो रो का ही डिजाइन है, उन्हीं को हमने रिपीट करना है बार बार। ये देखें, सीधा फंदा हमने उतारा, ऊन आगे की ये उल्टा फंदा हमने उतार लिया। अब अगला सीधा फंदा हम बनाएंगे, ऊन हमारी आगे की तरफ है पर बना हम सीधा फंदा रहे हैं, तो ये इस तरह से सलाई के ऊपर से ऊन जाएगी, फिर आगे ऊन कर लेंगे, उल्टा फंदा उतार लेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, तो ये जो हमारी ऊन है ये सलाई के ऊपर से जाएगी। ये देखें, इस तरह से आगे ऊन उल्टा फंदा उतारा, सीधा फंदा बनाया, आगे ऊन उल्टा फंदा उतारा, सीधा फंदा बनाया। ये देखें, इसी तरह से ये रॉन्ग साइड की सलाई है हमारी, ये जो मैं आपको बता रही हूं। सीधी तरफ से हमने एक सीधा एक उल्टा बनाया, बना हम उल्टी तरफ से भी यही रहे पर अब हम उल्टा फंदा उतार रहे और सीधा फंदा बना रहे हैं। ये देखें, लास्ट का उल्टा फंदा सिंपल बना दिया। अब ये डिजाइन की थर्ड रो, फिर से फर्स्ट रो की तरह, पहला फंदा हमने उतारा,
ऊन आगे की, अगला फंदा उल्टा हमने बनाया, फिर अब ये सीधा फंदा हमने बनाना है, पढ़िए धागे के साथ ही, ये देखें इस तरह से, ये धागे के साथ ही, फिर उल्टा फंदा, ऊन पीछे सीधा फंदा, पढ़िए फंदे के साथ जो धागा है इसे भी हम साथ में ही बनाएंगे, ये देखें उल्टा फंदा ऊन पीछे सीधा फंदा धागे के साथ ही, आगे ऊन उल्टा फंदा फिर पीछे ऊन, ये सीधा फंदा, ये इसके ऊपर से जो धागा आ रहा है इसके साथ ही इस तरह से, फिर उल्टा फंदा, फिर ऊन पीछे सीधा फंदा, ये धागे को फंदे के साथ ही हम बना लेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। ये देखें ये रॉन्ग साइड से हमने एक फंदा उतार के बनाया था, तो ये धागा आया था सलाई के ऊपर, इसको अब हम साथ में बना लेंगे। सीधी तरफ से एक फंदा उल्टा एक सीधा, सारे फंदे बनाएंगे। ये देखें अब उल्टा फंदा, अब फिर से हम आ गए रॉन्ग साइड पर, रॉन्ग साइड पर फिर से वैसे ही हमने रिपीट करना है, सीधा फंदा उतारा ऊन आगे, फिर ये उल्टा फंदा उतारा, अब सीधा फंदा बनाएंगे, धागा सलाई के ऊपर से जाएगा, आगे ऊन उल्टा फंदा उतारेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, आगे ऊन उल्टा फंदा उतारेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, आगे ऊन उल्टा फंदा उतारा सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन सलाई के ऊपर से जाएगी, ये देखें इस तरह से ये डिजाइन डलेगा। फिर से जब हम राइट साइड पे आएंगे, ये देखें अब राइट साइड पर आ गए हैं हम, फिर वैसे ही एक फंदा सीधा एक उल्टा, सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा, ये लूप के साथ ही, ऊन आगे उल्टा फंदा, ऊन पीछे ये सीधा फंदा, ये सलाई के ऊपर वाले धागे के साथ ही, ये इसी तरह से डिजाइन डलेगा। ये देखें सीधी तरफ से दोनों फंदे बनेंगे, उल्टा भी और सीधा भी, और उल्टी तरफ से हम उल्टे फंदे को उतारते जाएंगे। ये डिजाइन मैंने आपको डाल करके दिखा दिया है। ये जो मैंने 66 फंदे डाले हैं, इससे जो हमारी कैप बनेगी, ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 6 महीने तक के बेबी को आएगी। अगर आपने इससे बड़ी कैप अगर आपने बनानी है तो आपने फंदे प्लस करने होंगे। ये देखें ये मैंने 66 फंदे लिए, आप इन फंदों को 75 लें, 75 76 अगर आपने 1 साल तक के बच्चे के लिए बनानी है, या उससे बड़ी बनानी है तो और ज्यादा फंदे इसमें लेने होंगे, या आपकी ऊन अगर पतली है, ये ऊन थोड़ी थिक है तो इसमें हमने 66 फंदे लिए, अगर आपकी ऊन थोड़ी पतली है तो भी आपने इसमें 8-10 फंदे बढ़ा लेने इसी साइज सेम साइज के लिए भी। और जब आप फंदे बढ़ाएंगे, अगर आपने बड़ी बनानी है इसी ऊन से आप बना रहे हैं और ज्यादा फंदे लिए हैं आपने 1 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपने इसकी लंबाई भी बढ़ानी होगी। ये यहाँ पर हमने 5.5 इंच लंबाई ली है, आपने 6.75 इंच इसकी लंबाई लेनी होगी। इस तरह से आप इसको बड़ी भी बना सकते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि हमने बॉर्डर कैसे बनाया और डिजाइन कैसे हमने इसमें डाला है। इसको अब हमने आगे कैसे फिनिश करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। इसको हमने 66 फंदे डालकर 8 सीधी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया, फिर हमने ये डिजाइन डाल लिया है। अब हमने ये फंदे हाफ हाफ करने हैं। ये देखें राइट साइड पर हैं हम, इधर से हमने फंदे आधे बना लेने हैं। जैसे हम बना रहे थे सीधी साइड से, वैसे ही एक सीधा फिर उल्टा, इसी तरह से आधे फंदे हमने बना लिए और इधर के फंदे हमारे पास ऐसे ही हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये देखें दोनों सिलाई में 33-33 फंदे हैं। अब हमने इन्हें बंद करना है। बंद हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों सिलाई का एक एक फंदा लेकर और फिर इसको, तो ऐसे करने से क्या होगा, पहला फंदा इधर सीधा है इधर उल्टा है, तो ये उल्टे के सामने सीधा आ जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम इसे किस तरह से बंद करेंगे,
इसका पहला और दूसरा फंदा हम एक साथ बनाएंगे। ये देखें, इधर सीधे की तरफ से सलाई डाली और ये उल्टे को लिया साथ में। ये इस सलाई के जो 33 फंदे हैं उसमें पहला और दूसरा फंदा है। ये हमने दो का एक कर लिया, ये देखें इस तरह से। फिर हमने सलाई को इधर घुमा लिया, इसको हमने उतार लिया फंदे को जो हमने दो का एक किया था। अब ये दो फंदे का हम एक करेंगे, ये देखें इस तरह से उल्टे में। ये हमारी रॉन्ग साइड है। फिर हमने सलाई घुमानी है, राइट साइड आ गए, इसको उतारा हमने। अब ये देखें ये फंदा, और इससे अगले वाला हमने दो का एक करना है। चाहे तो हम इसे ये देखें इस तरह से उतार कर और फिर इस वाले को बनाकर फिर ऐसे उतार कर दो का एक कर सकते हैं, या फिर देखें मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से ये फंदा हमारे पास इस सलाई में। अब हमने इसको भी ये सलाई में इस तरह से लिया और इधर से सलाई डाली दोनों फंदों में, और फिर इस तरह से हम इनको दो का एक कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे करें। फिर हमने यहां से सलाई घुमाई उल्टी तरफ है, आप पहला फंदा उतारा और ये दो का एक उल्टे में। फिर सलाई घुमाई, ये दो फंदे ही बनेंगे और आसपास के फंदे इसमें शामिल होकर बंद होते जाएंगे। ये पहला फंदा उतारा, ये अगला हमने उतारा, ये बनाया। अब जिस फंदे के ऊपर धागा है वो धागे के समेत बनेगा। ये ऊन जो ऊपर से आई हुई है, ये देखें इस तरह बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। फिर घुमाया, ये फंदा उतारा, अब ये दो का एक। फिर घुमाया सर, ये उतारा फंदा, अगला फंदा उतारा, बनाया और ये इसके ऊपर से उतार दिया। फिर यहीं से घुमाया, अब ये देखें यही दो फंदे हमारे बन रहे हैं। ये उतारा फंदा, अगला फंदा और ये इससे अगला, दोनों दो का एक। फिर यहीं से घुमाया हमने सलाई को, ये फंदा हमने उतारा, अब ये देखें अगला फंदा उतारा। अब ये सीधा फंदा है, इसके ऊपर ये ऊन आई हुई है तो इसको इसी के साथ बनाएंगे। ये बनाया सीधा और ये उतारा हुआ, इसके ऊपर से हम उतार देंगे। ये देखें इस तरह से ये दो का एक करते हुए ये बंद होते जा रहे हैं फंदे। ये उतारा, ये दो का एक। फिर इधर से हमने सलाई को घुमाया, ये सीधा फंदा उतारा, ये वाला उतारा, अगला हमने बना लेना है। ये बनाया और ये उतारा हुआ, इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये देखें इस तरह से ये फंदे हमारे बंद होते जा रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। एंड में हमारे पास सलाई के ये ही दो फंदे बचेंगे। अब ये देखें सारे फंदे हमारे बंद हो गए, अब हमारे पास यही दो फंदे हैं। और ये देखें हम ये रॉन्ग साइड पर हैं, ये धागा हमारा, ये ऊन हमारी, ये रॉन्ग साइड पर है। अब हमने क्या करना है, ये फंदे उठाने हैं। ये देखें इस तरह से ये पूरा पूरा फंदा लेते हुए हमने फंदे उठाने हैं। ये जो हमारा साइड का उतारा हुआ फंदा है, इसको ये इस तरह से हमने एक धागा नहीं लेना, ये पूरा फंदा हमने इस तरह से लेना है। ये देखें इस तरह से, एक फंदे में से एक ही फंदा हम उठाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये एंड तक हमने पूरे फंदे उठा लेने। फिर हम इनको गिनेंगे कि ये हमने कितने फंदे उठाए हैं। ये देखें एक फंदे में से एक फंदा लेना है। ये साइड का जो हमारा उतारा हुआ फंदा चल रहा था, ये देखें इस तरह से, ये अब हम यहां तक सारे फंदे उठा लेते हैं। अब ये देखें सलाई के एंड पर आ गए ये हम, यहां तक हमने फंदे उठा लिए। एक फंदा ये हमने जो फंदे डाले थे वो वाली धारी है, उसमें से हम उठा लेते हैं। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, 10 फंदे हम हाथ से डालेंगे इसमें। ये देखें एक फंदा ये हमारा
फंदे डालने वाली धारी में से भी आ गया। अब ये इस तरह से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये 10। ये 10 फंदे हमने डाल लिए। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इन फंदों को हम बनाएंगे। ये देखें, ये सीधा सीधा ही हम बना लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से ये 10 फंदे हमने बना लिए। और अब ये सिलाई के फंदे भी हम सीधे बना लेते हैं। ये यहाँ तक हम सारे फंदे सीधे बना लेते हैं, फिर हम इस तरफ के फंदे उठाएंगे। अब ये देखें, ये सिलाई के फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हम इस तरफ से फंदे उठाते हैं। ये देखें, जैसे उधर से उठाए थे उधर से हमने उल्टे में उठाए थे, इधर से सीधे में उठा रहे हैं। ये एक फंदे में से एक फंदा, ये साइड के जो उतारे हुए फंदे हैं, ये देखें इस तरह से। ये एंड तक हमने पूरे फंदे उठा लेने हैं। ये देखें, इधर से भी हमने सारे फंदे उठा लिए और इधर भी हमने ये जो फंदे डालने वाली हमारी किनारी है इसमें से एक फंदा हमने उठाया है। अब हम ये फंदों को गिन लेते हैं, टोटल हमारे पास कितने फंदे हैं। ये अभी हम जो हमने एक्स्ट्रा फंदे डाले थे उन्हें 10 फंदों को छोड़ देते हैं। 2 4 6 8 10, 10 के बाद गिनना हम शुरू करते हैं। 2 4 6 8 10 12 20 26 32 32 38 40 42 44 48 46 48 49 50 51 53 54 57 58 60 62 66 68 और ये 70। 70 फंदे हमारे ये टोटल उठे हैं। 10 हमने इधर डाले और 10 ही फंदे अब हम ये इस तरफ डाल लेंगे। देखें, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये 10। 10 फंदे हमने डाल लिए ये, और अब हम इन्हें बनाएंगे। ये हम देखें रॉन्ग साइड पर हैं, पर ये देखें इस तरह से। पहले हमने ये सारे फंदों को, मतलब ये जो हमने अभी फंदे डाले हैं 10, इनको उल्टा बना लेना है। ये हल्के हाथ से बिल्कुल हमने फंदे ये 10 अपने बना लिए। अब ये जो हमारे मेन फंदे हैं ये शुरू होते हैं, ऊन हम पीछे ले गए। यहां से अब हम सीधा फंदा बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, इस तरह से। अब ये एक सीधा और एक उल्टा फंदा हम बनाते हुए जाएंगे। ये पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, अब ये हमारे डाले हुए 10 फंदे आ गए और एंड फंदा यहां पर हमारा उल्टा आया है। इनको भी हम इसी तरीके से एक सीधा और एक उल्टा बना लेंगे। ये देखें, लास्ट फंदा आया हमारा ये उल्टा। अब हम
राइट साइड पे आ गए। इधर से भी हमने पूरी सिलाई सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लेना है। ये देखें, ये हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लिया है। अब ये हमारे 10 फंदे डाले हुए वाले हैं, इनको अब हम एक सीधा और एक उल्टा करके बनाते हैं। पहला सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, ये सीधा और फिर ये उल्टा। ये देखें, अभी हम रॉन्ग साइड पर आ गए। अब फिर से सीधे पर सीधा फंदा बनाएंगे और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाएंगे। इस तरह से हमने तीन सलाइयां बना लेनी है। अभी हम उल्टी सलाई की उल्टी साइड है, फिर सीधी तरफ से और फिर उल्टी तरफ से। इस तरह से हम तीन सलाइयां पहले बना लेते हैं, फिर हम काज डालेंगे। उस तीन सलाइयों के बाद जब ये सीधी सलाई आएगी, फिर हम देखते हैं कि काज कैसे बनाना है। अब ये यहां पर हम काज डालेंगे, राइट साइड पर हैं हम। पहले हम पांच फंदे बनाते हैं, दो, तीन, चार, पांच। अब ये छठे फंदे पर हम यहाँ काज डालेंगे, ऊन आगे करेंगे अपनी तरफ और फिर ये देखें उल्टा फंदा हमारे पास आ गया है, पीछे सीधा फंदा है। सीधे फंदे में से सिलाई डाल करके इस तरह से ये हम दो का एक कर देंगे। ये हम जाली जो आएगी ये हमारा काज बन जाएगा। अब हमने इसको जैसे हम बना रहे थे सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा, इसी तरीके से हमने इसको बना लेना है 10 से 12 सलाइयों तक। इसको और बना लेना, हमने 10 सलाइयां पहले हम बनाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये देखें, इसमें हमने 10 सलाइयां और बना लिए और ये टोटल हमारा जहां से हमने फंदे उठाए हैं वहां से 1.25 इंच के करीब हमने बनाया है। अब हमने क्या करना है, ये देखें रॉन्ग साइड की तरफ हैं हम। जैसे हमने ये डिजाइन डाला था उसी तरह से हमने चार सलाइयां या छह सलाइयां और बना लेनी है। पट्टी के 10 फंदे हमने सिंपल बनाने, जैसे हम बना रहे थे वैसे ही सीधे पे सीधा उल्टे पर उल्टा और उसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। ये पट्टी के 10 फंदे बना लिए, उसके बाद देखें जैसे हमने यहां पर डिजाइन डाला था, ये आगे ऊन उल्टा फंदा उतारना है, सीधा फंदा बनाना है, आगे ऊन उल्टा फंदा उतार कर सीधा फंदा बनाना है। ये देखें, आगे ऊन उल्टा फंदा उतारना है, सीधा बनाना है, ऊन सलाई के ऊपर से जाएगी। ये देखें इस तरह से, जैसे हमने मेन पैटर्न में इधर डिजाइन डाला था वही डिजाइन हमने इधर फॉलो करना है। ये देखें, ये सलाई हम पूरी बना लेते इसी तरह से, आगे ऊन उल्टा फंदा उतारा, सीधे को बना लिया और एंड में पट्टी के इधर के 10 फंदे भी हम सिंपल बना लेंगे। अब ये पट्टी के फंदे आ गए एंड पर, इनको हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बना लेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पर उल्टा। अब ये देखें राइट साइड पे आ गए, राइट साइड पर भी पट्टी के फंदे बनाएंगे हम, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। पट्टी के फंदे बनाने के बाद फिर आगे भी हमने सीधा उल्टा ही बनाना है, पर जैसे हमने डिजाइन में बनाया था, ये देखें सीधे फंदे के ऊपर ये धागा आ रहा है तो इसको धागे के साथ ही बनाना है, आगे ऊन कर उल्टा फंदा उल्टा, फिर पीछे ऊन सीधे फंदा और ये सलाई के ऊपर से जो ऊन आ रही है उसके साथ ही इसको सीधा बनाना है, उल्टा फंदा उल्टा। ये देखें, ऊन पीछे कर सीधा फंदा, ये ऊपर जो सिलाई के ऊन आ रही है उसके साथ ही, फिर आगे ऊन उल्टा उल्टा ही। ये इसी तरह से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और चार और सिलाइयां इसी तरह से हमने बना लेनी है।
अब हम राइट साइड पर हैं। अब इधर से भी हमने वैसे ही सलाई बनानी है जैसे हम उल्टी तरफ से बना रहे थे। ये देखें उल्टा फंदा उतारेंगे आगे ऊन करकर और सीधे को बनाएंगे। आगे ऊन उल्टा फंदा उतारेंगे सीधे को बनाएंगे। सीधे फंदे के साथ जो ये ऊन है सलाई के ऊपर इसे भी बनाएंगे। आगे ऊन उल्टा फंदा उतारेंगे और सीधा फंदा ये ऊन के साथ ही बनाएंगे। ये देखें इस तरह से पहले हम उल्टी तरफ बना रहे थे पर अब हम सीधी तरफ भी बनाएंगे। ये सलाई के साथ ही हमने यहाँ पर काज भी डाल लिया है। ये हमारा दूसरा काज हो गया। ये देखें उल्टा फंदा उतारेंगे सीधे को बनाएंगे। आगे ऊन उल्टा उतारेंगे सीधे को इसके साथ जो सलाई के ऊपर ऊन आ रही है बना लेंगे। दोनों तरफ से अब हमने इसी तरह से यही पैटर्न बनाते हुए चार सलाइयां बनानी है। एक ये सीधी सलाई हम बना रहे हैं, फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी। ये देखें इस तरह से दोनों तरफ से सेम अब हमने बनाना है। और पट्टी के फंदे सिंपल, उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा। ये पट्टी के फंदे सिंपल बना लिए। अब ये देखें रॉन्ग साइड पर आ गए हम। इधर से भी पट्टी के फंदे उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा। ये बना लेंगे और अब हमारा चार सलाइयों तक सेम पैटर्न चलेगा दोनों तरफ से। ये पट्टी के फंदे पहले हम बना लेते हैं। ये देखें पट्टी के फंदे हमारे बन गए। अब सेम पैटर्न, ये देखें सीधा ये धागे के साथ बनाया, आगे ऊन उल्टा उतारा, फिर ये सीधा बनाया, आगे ऊन उल्टा उतारा, सीधा फंदा बनाया, आगे ऊन। ये सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड से बना रहे हम यही पैटर्न। अब ऐसे ही हमने दो सलाइयों तक और बना लेना है, एक सीधी सलाई और एक उल्टी सलाई। उल्टा फंदा आगे ऊन कर उतारेंगे और सीधे को इस धागे के साथ ही हम बना लेंगे। अब ये देखें राइट साइड पर हैं हम। पट्टी के फंदे हमने बना लिए जैसे सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। अब हमने कैसे बनाना है इस सीधी सलाई को, ये देख, एक सीधा फंदा, दो, तीन, चार। अब ये देखें चार फंदों के बाद इस सीधे से पहले हमने जाली डालनी है। ये पीछे ऊन ले गए और ये ऐसे सलाई पर से घुमाया तो ये जाली हो गई। या आप इस तरह भी आगे ऊन है और आगे ऊन रखकर ही हम ये फंदा बना लेंगे तो ये हमारी जाली आ जाएगी। इस तरह भी बना सकते हैं इस तरह। ये देखें एक, दो, तीन और अब ये देखें चौथा फंदा जाली का। आगे ही ऊन है हमारे पास और ये सीधा फंदा हम बना रहे हैं, यहां हमारी जाली आ जाएगी। फिर ये देखें एक, दो, तीन। अब यहां पर हमने जाली डालनी है तीन फंदों के बाद। आगे ऊन है, सीधा फंदा, ये देखें ये वाला जो धागा आएगा ये हमारी जाली हो जाएगी। फिर आगे ऊन, एक उल्टा, दूसरा सीधा, फिर तीसरा फंदा उल्टा, फिर ये सीधे से पहले जाली डालेंगे तो आगे ऊन ऐसे ही इसको हम बना लेंगे, ये जाली हो जाएगी। इसी तरह से ये सलाई हमने बना लेनी है, चौथे चौथे फंदे पर जाली डालनी है। ये देखें आगे ऊन है, ये बनाया हमने, ये जाली हो गई। फिर उल्टा, सीधा, उल्टा। ये इस तरह भी जाली डाल सकते हैं हम, पीछे ऊन और ये सलाई पर से घुमा लिया और ये बना लिया तो ये भी हमारी जाली हो गई। इसी तरह से अभी हमने पूरी सलाई चार फंदों के बाद जाली बना लेनी है। ये देखें सलाई हमारी कंप्लीट हो रही है। पट्टी के फंदे हमने एज इट इज सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बनाना है दोनों तरफ से।
अब ये रॉन्ग साइड पर हम आ गए। पहले पट्टी के फंदे बनाते हैं। ये देखें 10 फंदे हमारे पट्टी के बन गए। अब आगे ऊन, आगे वाला फंदा उल्टा है, ये हमने उतार लिया। अब ये देखें ये हमारा जाली का फंदा है, इसको हमने इधर से ना बना करके पीछे से बनाना है। ये देखें इस तरह से, ये यहाँ से, ये इधर से डाली सलाई, ये सीधा फंदा। ये देखें उल्टे फंदे के ऊपर से फिर से ये ऊन आएगी, ये सीधा बन गया अगला फंदा, फिर सीधा आगे ऊन, ये देखें उल्टा फंदा उतारा, फिर सीधा फंदा बनाया, आगे ऊन, फिर ये उल्टा फंदा उतारा, फिर हमारा ये जाली वाला फंदा आ गया। इसको देखें ऐसे ये इधर से सलाई डालकर बनाएंगे, उल्टे फंदे के ऊपर से फिर से ये देखें ऊन आएगी, फिर अगला फंदा ये सीधा, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारा, फिर ये देखें सीधा फंदा बनाया, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारा, फिर हमारा ये जाली वाला फंदा आ गया। फिर ये देखें इसको, ये पीछे से ऐसे सलाई डाल करके हमने बनाना है, फिर सीधा फंदा, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे, फिर ये सीधा फंदा बनाएंगे, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे, फिर ये जाली वाला फंदा आ गया। इसको ऐसे ही पीछे से सलाई डाल के बनाएंगे, ये देखें इस तरह से, फिर ये सीधा फंदा, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टे फंदे पर ये देखें फिर से हमारी ऊन ये ऊपर से आ रही है, फिर आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे, फिर ये जाली को ये देखें ऐसे पीछे से सलाई डाल के बनाएंगे, अगला फंदा फिर सीधा, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे, ये सीधा, फिर आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे, फिर ये जाली वाला फंदा ये ऐसे पीछे से सलाई डालकर बनाएंगे, सीधा फंदा, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारा, फिर ये सीधा फंदा बनाया। ये पूरी सलाई हमने इसी तरह से ये देखें कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखें फिर से राइट साइड पर हैं हम। ये 10 फंदे पट्टी के बना लिए, ये उसके बाद ये सीधा फंदा। अब देखें यहां पर एक जगह बीच में एक उल्टा फंदा आ रहा है और एक जगह ये दो फंदे आ रहे हैं उल्टे, क्योंकि ये हमारा जाली से बढ़ चुका है, अब हमने यहां पर बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये उल्टा फंदा बना लेंगे और इसके बाद यहां पर हम जाली डालेंगे। पहले की तरह भी कर सकते हैं कि ऊन आगे रखकर और ये सीधा फंदा बना ले, या इस तरह भी घुमा करके जाली डाल सकते हैं। बाकी ये जो दो हैं इनको दोनों पीछे ऊन, ये फंदा सीधा, फिर ये देखें ये एक है उल्टा फंदा, तो पहले इसको उल्टे को बना लेंगे और फिर इसके आगे हम यहां पर जाली डालेंगे, फिर ये सीधा फंदा, आगे ऊन, ये दो उल्टे, पीछे ऊन, ये एक सीधा फंदा, फिर ये देखें यहां पर एक है उल्टा फंदा, पहले इसे बना करके इसके आगे जाली डालेंगे, ये जाली डाली हमने, और फिर ये एक सीधा, आगे ऊन, ये दो उल्टे, एक सीधा, आगे ऊन, ये एक उल्टा, और फिर यहां पर जाली, फिर सीधा, दो उल्टे, सीधा, ये उल्टा फंदा, और फिर यहां पर जाली, अब ये देखें दो उल्टे, एक सीधा। अब ये देखें पूरी सलाई हमने इसी तरह से करनी है, जहां पर एक उल्टा आ रहा है वहां पर हमने जाली डालनी है। ये देखें दो उल्टे, फिर ये एक सीधा, फिर यहां पर एक उल्टा, यहां पर हमने जाली डालनी है, पहले उल्टा बनाना है फिर जाली डालनी है। इसी तरह से ये सलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखें रॉन्ग साइड पर आ गए। पहले हमने पट्टी के फंदे बना लिए, ये देखें 2, 4, 6, 8, 10। अब ये मेन पैटर्न पे हम आते हैं। पहला फंदा उल्टा, ये देखें ये सीधा और ये
सीधा, दो सीधे हो गए, फिर अपनी तरफ ऊन, एक फंदा उल्टा। अब ये जाली वाला फंदा आ गया, इसको हमने सीधा बनाना है। ये देखें, इधर से सिलाई हमने डालनी है, ये सीधा और ये अगला सीधा, फिर अपनी तरफ ऊन, ये एक उल्टा, फिर ये दो सीधे, फिर अपनी तरफ ऊन, उल्टा फंदा, फिर आ गया जाली वाला, इसे हम ये फंदा उल्टा। ये देखें, ये जो पहले के जाली के फंदे थे, ये सीधा दिख ही रहा होगा, सीधा सीधा, फिर आगे ऊन, ये उल्टा। अब ये जाली वाला फंदा है, ऊन को हम पीछे ले गए और ये इस तरह से यहां से सिलाई डालकर सीधा, अगला फंदा सीधा। अब हमारा एक उल्टा और दो सीधे बन रहे हैं, ये सीधा, ये भी सीधा, फिर आगे ऊन, उल्टा, जाली वाला फंदा आ गया। ये देखें, इसको थोड़ा सा इधर को बढ़ा लेंगे और इधर से सिलाई डालकर ये सीधा और ये भी, ये देखें इस तरह से। फिर हमारा यहाँ पर भी, ये देखें, दो उल्टे और एक सीधे का पैटर्न ये हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, आगे ऊन, एक उल्टा, ये देखें, ये पहले जो हमने जाली डाली थी उसका बना हुआ फंदा है, सीधा हमें नजर आ रहा है, सीधा और ये सीधा, फिर आगे ऊन, ये उल्टा, फिर जाली वाला आ गया। इसको ये देखें, यहां से थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेंगे और फिर ये सीधा, अगला फंदा भी सीधा, फिर आगे ऊन, ये उल्टा, फिर ये दो सीधे। ये इसी तरह से हमने सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद हमने ये चार सिलाइयां इसी तरह बना लेनी है कि जैसे पर जैसा फंदा। जब हम इस तरफ आएंगे तो हमारे ये दो उल्टे और एक सीधे का पैटर्न चलेगा, और इस तरफ आएंगे जब हम तो एक उल्टे और दो सीधे का पैटर्न चलेगा। इसी तरह से ये चार सिलाइयों तक हमने बना लेना है। पहले इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखें, फिर से हम राइट साइड पर हैं, पट्टी के फंदे हमने बना लिए, अब हमें जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। ये देखें, एक सीधा, दो उल्टे, सीधा, फिर दो उल्टे। ये अब हमने इसी तरह से सिलाई बनानी है, पट्टी के फंदे एज इट इज बनाने। फिर जब हम रॉन्ग साइड से आएंगे तो हमारे दो सीधे, एक उल्टा, इस तरह से जो जैसा दिख रहा है वैसा हमने दो सिलाई तक बनाना है। फिर काज बनाना है, उसके बाद दो सिलाइयां और बनानी है, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही दोनों तरफ से, और फिर सारे फंदों को हमने बंद कर देना है। ये देखें, इसको हमने अपने सफिशियंट लंबाई तक बना लिया है। ये काज डालने के बाद भी ये दो सिलाइयां हमारी और बन गई है। अब हमने इसे बंद करना है। बंद करेंगे हम इसे रॉन्ग साइड से, ये रॉन्ग साइड से हम इसे बंद करेंगे। ये देखें, उल्टी सिलाई में ही इसे बंद करेंगे। दो फंदों में ये हमने एक साथ सिलाई डाली और दोनों को एक साथ उल्टा बना लिया। फिर ये फंदा सिलाई में चढ़ाया, इसके साथ एक फंदा और लिया और ये दोनों को उल्टा बना लिया। ये देखें इस तरह से, ये जो फंदा आएगा इसको सिलाई में वापसी डाला, अगले फंदे के साथ उल्टा बना लिया। हाथ को हम थोड़ा हल्का ही रखेंगे, मतलब बहुत खींच के इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हमने थोड़ा लूज ही बनाना है। ये देखें इस तरह से, पट्टी में अभी उतना हाथ हम लूज नहीं रखेंगे ये 10 फंदे बंद करने में, उसके बाद हम अपना हाथ हल्का लूज चलाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये दो फंदे उल्टे बनाए, ये फंदा जो आया इसको वापसी सिलाई में, फिर अगले फंदे के साथ उल्टा, फिर ये वापसी सिलाई में अगले फंदे के साथ दोनों को उल्टा। ये देखें इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे तो ये फ्रंट पर हमारे साथ ये इस तरह से धारी आती जाएगी सीधी तरफ। ये देखें, ये हल्का सा हाथ लूज रख के ही हमने बनाना है, बहुत इसको खींचना नहीं है। ये इस तरह से सारे फंदे हमने बंद कर लेने उल्टी सिलाई में ही। ये देखें इस तरह से, ये दोनों फंदे बनाए, ये जो फंदा आया इसे वापसी सिलाई में, फिर अगले फंदे के साथ बनाया वापसी सिलाई में, फिर अगले फंदे के साथ,
ये इस तरह से अब हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। और ये देखें जहां जहां पर हमारा काज है वहां वहां पर ही इधर पट्टी पर हम सीधी तरफ बटन लगा लेंगे, उसके साथ ही ये कैप हमारी फिनिश हो जाएगी। ये इसको हमने पूरा बंद कर लिया है फंदों को और हमने बटन लगा लिए। बंद करके इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है फ्रेंड्स। और टोटल 50 ग्राम ऊन हमारी इस कैप को बनाने में लगी है। अगर आप चाहें तो ये यहाँ टॉप पर एक पोम-पोम और लगा सकते हैं इसका लुक बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये कैप आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।